उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 4 जून से नॉन कोविड मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। करीब एक महीने बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने प्रदेश के डीजी हेल्थ डीएस नेगी से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। 4 जून से नॉन कोविड मरीजों के लिए ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ डीएस नेगी साहब हैं। सर, तकरीबन एक महीने बाद आप लोग ये व्यवस्था फिर से शुरू करने जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? सारे स्थानों पे, जैसे पीएचसी और सीएससी में ओपीडी स्टार्ट करना और कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ में स्टार्ट करना। दूसरा, जो हमारे जिला अस्पताल हैं वहाँ पर ओपीडी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में दोनों ही सब स्थानों पे ये है कि एक जो फीवर की जो डेस्क या फीवर की एक क्लिनिक बनाई जाएगी, जहाँ पर कि पेशेंट जो जाएगा तो अगर फीवर का पेशेंट है डायरेक्ट वहीं चला जाएगा, वहीं पर उसका पर्चा बनने से लेकर उसकी परामर्श, जांच, दवा वितरण सब हो जाएगा, ताकि वो अन्य जो ऐसे पेशेंट हों जिसमें कि और लोगों से को संक्रमण न फैला सके। इधर हमारे कुछ सर्जरीज जो भी हैं वो भी बाधित हुई, तो सर्जरी के लिए ये है कि जो पेशेंट्स हम लोग भर्ती करेंगे, भर्ती करने के बाद में जब उनका टेस्ट जो चाहे ट्रूनेट टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, तो तभी उनको और जांच होने के बाद में उनका फिर ऑपरेशन वो किया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं और जो नॉर्मल हमारा टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं को का पंजीकरण का काम है, जो भी चीज़ इधर थोड़ा सा इफेक्टेड हो गई थी उनको हम सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या सर सभी जिलों में ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं या फिर जहां पर सिर्फ कर्फ्यू में ढील गई दी गई है वहीं पर शुरू हो? नहीं, देखिए शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि सभी जनपदों में ओपीडी सेवाएं जो है वो प्रारंभ हो गई। और जो तमाम सर मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे? नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो चिकित्सा शिक्षा का विषय है। करीब एक महीने के बाद सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एक बार फिर से ओपीडी सेवाओं को बहाल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।